गढ़वा रोड स्टेशन पर यार्ड में घुस रही मालगाड़ी का चक्का में पहले से दूसरे मालगाड़ी का टूटा हुआ गेट फंस गया। इस वजह से करीब 6.5 घंटे तक रेल परिचालन ठप रहा। छोटी बड़ी आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेस, पैसेंजर और मालगाड़ी ट्रेन जहां तहां रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। इस दौरान यात्री काफ़ी परेशान रहे। गरीब रथ, रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस, वाराणसी रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस, बरवाडी डेहरी ऑनसोन समेत कई ट्रेन और मालगाड़ी अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी रहीं। हालांकि इस दौरान रेलवे कर्मी परिचालन बहाल करने के लिए काफ़ी तत्पर दिखे। मालगाड़ी के चक्के के बीच फंसे गेट को पहले गैस कटर से काट कर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन गेट में लगे हुए हार्ड लोहा को काटने में सफलता नहीं मिली। तब जाकर बरवाडी से QRT टीम को बुलाया गया, जिसके बाद क्रेन को बुलाकर जैक की मदद से मालगाड़ी की बोगी को उठाकर रेलवे ट्रैक क्लियर किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में रेलवे ट्रैक क्लियर करने में करीब 6.5 घंटे का समय लगा, जिसके बाद रात 12:30 बजे से रेल परिचालन बहाल हुई और ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली।